सभी को नमस्कार। भूगोल विषय के अध्ययन की श्रेणी में भौतिक भूगोल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी, पृथ्वी की भूगर्भिक समय सारणी के बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें ये देखेंगे कि पृथ्वी की जो आयु है, पृथ्वी जब से बनी है उससे अब तक की जो आयु है उसके बारे में हम, इसका जो समय काल है, जो पीरियड है, जो एज है, इसके अलग अलग युगों में, कल्पों में विभाजन किया है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पृथ्वी की आयु की कितनी है ये जांच करनी है। उल्का पिंडों एवं चंद्रमा की चट्टानों के नमूनों के अध्ययन से ये पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सबसे पहले पत्थर के नमूनों के रेडियोधर्मी जो तत्व थे उसके परीक्षण से 3.9 बिलियन वर्ष पूर्व होना हमें पता चला है। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन के बाद पृथ्वी की आयु सबसे विश्वसनीय व्याख्या हो सकी है। अलग अलग वैज्ञानिकों और विद्वानों के हिसाब से पृथ्वी की आयु अलग अलग है, लेकिन सर्वमान्य तथ्य यह है कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो कुल मिला के पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है। ठीक है, अब पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास की, पृथ्वी की भूगर्भिक जो इतिहास है उसकी व्याख्या का सर्वप्रथम प्रयास एक फ्रांसी वैज्ञानिक कास्ते दा वफन ने किया था। उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि पृथ्वी को विभिन्न विभिन्न टाइम टेबल में डिवाइड करके हम विभाजन कर सकते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी के इतिहास के कई कल्प या एरा में विभाजित किया है। ये कल्प पुनः एपोक में विभाजित किए और ये एपोक पुनः सग में डिवाइड किए, पीरियड्स में डिवाइड किए। हो सकता है अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड, एपोक एंड एरा एंड पीरियड्स के बारे में अलग अलग बात कही होगी, लेकिन आपको अपनी सुविधा के अनुसार ये एनसीईआरटी को फॉलो करके ये मैंने बनाने की कोशिश करी है, तो आप इसको ही सही माने क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड है वो एरा कहलाया। पृथ्वी के बनने के बाद में जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है वो एरा कहलाया, और उसको पुनः क्रमिक रूप से इसका हमने विभाजन किया, प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्थ युग, मतलब एपोक में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलग अलग इसमें विभाजन किया। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सर्वप्रथम कल्प मीन्स एरा सबसे बड़ा समय काल रहा, उसके बाद में एपोक रहा, उसके बाद में पीरियड रहा। इनका हिंदी और इंग्लिश का भी प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप सिर्फ इंग्लिश में याद रखें, एरा, एपोक, पीरियड और ईयर या एज ओनली। ठीक है, तो आपको सर आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसको सामान्य वर्गीकरण किया है। जो एरा है वो चार पार्टों में डिवाइड किया है, मैंने एरा को चार पार्टों में डिवाइड किया है और उसके बाद इसके अलग अलग विभाजन मैंने किए। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे आगे से, टॉपिक वन बाय वन टॉपिक पर कवर करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये बार बार, ये जो शब्द हैं कैम्ब्रियन और डिवीजन, ये सब बार बार आने वाले हैं, इसलिए इनको पहले से हम इससे परिचित हो जाए तो हमें आसानी रहेगी। सर्वप्रथम पैलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक एरा। जो एरा है इसमें चार पार्ट बनाए हैं, पैलोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। ठीक है, इससे पहले भी एक काल रहा है वो प्री पैलोजोइक,
काल कहलाता है, उसका मैं अलग से आपको विवरण लिखवाऊंगा बताऊंगा। तो यहां से स्टार्ट करूंगा, पैलियोलिथिक को प्रथम युग भी कहा जाता है। इसके छह पोर्शन है, कॉस डीसीपी, ये इनको क्रम वाइज कालक्रम के अनुसार ही हमको याद रखना है, क्योंकि ये प्री में या मेंस में या आपकी यूजी पीजी के एग्जाम में पूछे जाते रहे और पूछ सकते हैं। सबसे पहले कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। मींस इसकी शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं आप, कॉस डीसीपी। सी मतलब कैम्ब्रियन, ओ मतलब ऑर्डोविशियन, डी मतलब डिवोनियन, सी मतलब कार्बोनिफेरस और पी मतलब परमियन। इनको आप क्रम से याद रखें, क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैलियोजोइक या पराजीवी माकल के जो पीरियड्स हैं उनका कालक्रम बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पैलियोजोइक, और इनका जो वर्ष या इनका दौरान जिसका जो समय है वो कैम्ब्रियन का 600 मिलियन वर्ष पूर्व से 500 मिलियन वर्ष पूर्व है। इसके बाद में ऑर्डोविशियन का 500 मिलियन वर्ष पूर्व से 440 मिलियन वर्ष पूर्व है, और सिल्यूरियन का 440 मिलियन से 400 मिलियन, डिवोनियन का 400 मिलियन से 350 मिलियन, कार्बोनिफेरस का 350 से 270 मिलियन वर्ष पूर्व, और परमियन का 270 से लेकर 225 मिलियन वर्ष पूर्व है। अब नेक्स्ट मेसोजोइक, मेसोजोइक का हिंदी अर्थ होता है मध्यजीवी महाकल, इसको द्वितीय युग से नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीन पीरियड है, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ठीक है, इसका जो पीरियड काल है वो आगे आपको देख रहे हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका जो ट्रियासिक का जो समय काल है 225 से 180 मिलियन वर्ष पूर्व, जुरैसिक का 180 से लेके 135 मिलियन वर्ष पूर्व, और क्रिटेशियस का 135 मिलियन वर्ष पूर्व से 70 मिलियन वर्ष पूर्व तक का है। इसके बाद में सेनोजोइक, सेनोजोइक का मतलब तृतीय युग, तृतीय युग की ये पीरियड से 5 पी आई ओ एम पी, पैलियोसीन, इओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इनका समय काल है पैलियोसीन का 70 से 60 मिलियन वर्ष पूर्व, इओसीन का 60 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, ओलिगोसीन का 40 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व, और मायोसीन का 25 मिलियन से 11 मिलियन वर्ष पूर्व, और प्लायोसीन का 1 मिलियन वर्ष पूर्व इसका माना है। इसके बाद में नियोजोइक, इसको न्यूतन महाकल कहते हैं, ये चतुर्थ युग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके दो पार्ट हैं पीएच, प्लेस्टोसीन और होलोसीन, 1 मिलियन वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष तक, और 10,000 के बाद के अब तक का जो कार्यकाल है वो होलोसीन में शामिल होता है। तो पहली स्लाइड में, पहले वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि सिर्फ आप इन नामों से परिचित हो जाएं, उसके बाद में हम एक एक करके कैम्ब्रियन में, ऑर्डोविशियन में, सिल्यूरियन में, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस सब में ये 15 जो पीरियड्स हैं इनका वन बाय वन अध्ययन करेंगे। तो आज सिर्फ आप इनसे परिचित हो जाएं, जो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको वन बाय वन करके कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन